नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइट न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं प्रियंका भारद्वाज। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरी तरह से अब ये क्लियर कर दिया है कि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। इसके संकेत अखिलेश यादव ने कल ही मीडिया से जब उन्होंने बात की थी तो इस बात के संकेत दे दिए थे कि जब तक लोकसभा की सीट का बंटवारा क्लियर नहीं हो जाता तब तक वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीटों का पहले ऑफर दिया था, जिसे बढ़ाकर अखिलेश यादव ने 15 सीटें कर दी थी। उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे और प्रियंका वाड्रा के बीच, अखिलेश यादव के बीच जो ये बातचीत हुई थी उसमें उन्होंने 3 सीटें और बढ़ाकर कही थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने 2 सीटें और बढ़ा दी थी। लेकिन अब कांग्रेस मुरादाबाद और बिजनौर की सीट को लेने के लिए अड़ी हुई है और इसी बात को लेकर अब अखिलेश यादव और कांग्रेस की जो पार्टी है अब इसी बात को लेकर अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच जो बात है वो इसी पेज पर अड़ी हुई है और कांग्रेस भी बिजनौर और मुरादाबाद की सीट को लेकर अड़ी हुई है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने प्रियंका गांधी के कहने पर दानिश अली के लिए अमरोहा और इमरान मसूद के लिए सहारनपुर सीट छोड़ दी थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी सकारात्मक बात नहीं हो पाई है। और शाम तक ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि शाम तक कांग्रेस की तरफ से जो समाजवादी पार्टी ने फाइनल 17 सीट का ऑफर कांग्रेस को दिया था उनकी तरफ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है और इसी को लेकर अब अखिलेश यादव ने ये स्टैंड उठा लिया है और उन्होंने कहा है कि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से और पार्टियां जो हैं वो अकेले ही लोकसभा के चुनाव लड़ने की बात कह रही है, चाहे वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या फिर कल ही स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि जिन्होंने समाजवादी पार्टी से कुछ दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने भी अब नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। तो क्या अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लोकसभा चुनाव में अकेले ही उतरेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसी तरह की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप जुड़े रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज के साथ। नमस्कार।